हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बेहतर ही होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिकेट के प्रो प्लेयर्स इस बॉल से खेलते हैं और लेजेंड यानी कि आप और हम इस बॉल से खेलते हैं। अगर आप भी टेनिस बॉल से खेलते हैं क्रिकेट, तो जल्दी से वीडियो को कर दीजिए लाइक। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो यार इंतज़ार किस बात का, सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। वैसे क्रिकेट में एक स्विंग बॉल पर विकेट को उड़ता हुआ देखना किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये टेनिस बॉल टर्न हो सकती है लेकिन स्विंग होना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे इस टेनिस बॉल को स्विंग कराने की। लेदर बॉल स्विंग कैसे होती है? आपने देखा होगा कि प्लेयर्स अक्सर अपने कपड़ों पर गेंद को रगड़ते रहते हैं। इस तरह से गेंद का एक पोर्शन साइन वाला हो जाता है और दूसरा रफ रहता है। रफ और साइन वाले एरिया पर एयर प्रेशर के डिफरेंस की वजह से गेंद हवा में स्विंग करती है, और यही लॉजिक हमें अपनाना है अपनी इस टेनिस बॉल में। तो इस बॉल के साथ हम दो छोटे छोटे से प्रयोग करने वाले हैं। तो पहले हम इस बॉल पे पूरा टेप लगा देंगे और टेप लगाकर कुछ बॉल फेंक कर देखते हैं ये बॉल टेप होने के बाद कैसा बिहेव करता है। फिर उसके बाद हमें, चूंकि बॉल को स्विंग कराना है, इसलिए हम गेंद के आधे हिस्से के टेप को काट कर अलग कर देंगे कि क्या ये बॉल स्विंग हो सकती है या नहीं। चलिए करके देखते हैं। ऑल राइट, ये रही बॉल और ये रहा टेप। तो बॉल पे टेप लगाने के लिए सबसे पहले हम टेप को निकालते हैं। और बॉल के किसी भी हिस्से से आप शुरू कर सकते हैं। तो हम टेप यहाँ पे लगा के आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना है कि टेप को सीधी लाइन में लगाना है, वरना इसमें कर्व्स आ जाते हैं। तो जैसे ही आपका टेप एक लाइन में सीधा लग जाए, तो फिर उसके बाद में आप इसको थोड़ा सा हल्का सा कर्व देंगे जिस तरह से ये दिया गया है, और फिर आगे बढ़ जाएंगे। एक लाइन पूरी कंप्लीट करने के बाद फिर थोड़ा सा कर्व देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। इस तरह से टेप पूरी बॉल पे लग जाएगा। तो बॉल पे टेप लग चुका है और पूरी बॉल हमारी टेप से अच्छी तरह से कवर हो चुकी है। तो अब यहाँ पे इसको काटना सही रहेगा। तो अब हम टेप को कट करके अलग कर देते हैं। अब एक छोटा सा काम बचा है जो इसमें करना है। क्योंकि लेदर बॉल में जो असली क्रिकेट बॉल होती है उसमें सीम भी होती है, तो हम सीम बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टेप लगाएंगे। सेम प्रोसेस है, आपको किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करके सीधा चलते रहना है। 2 से 3 राउंड टेप लगाने के बाद आपकी सीम भी तैयार हो जाएगी। तो हमारी सीम बनकर तैयार हो चुकी है। अब एक्स्ट्रा टेप को यहाँ से कट करके अलग कर देते हैं। ओके, तो बॉल हमारी कंप्लीट हो चुकी है और आप देख रहे हैं कि बॉल देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है।
तो बॉल हमारी कंप्लीट हो चुकी है और आप इस सीम को देख सकते हैं जो हमने अभी बनाई है, वो अलग से ही दिखाई पड़ रही है। और अब इस बॉल का टेस्ट करते हैं ग्राउंड पे। और दो टेस्ट हैं, सबसे पहले कुछ बॉल टेप के साथ ट्राई करेंगे, फिर आधा टेप कट करके हम बॉल को रफ और साइन एरिया में डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद कुछ बॉल करेंगे और देखते हैं कि बॉल कैसा बिहेव करता है। तो हम आ चुके हैं ग्राउंड पर और ये आप बॉल देख रहे हैं। इस पूरे टेप लगी हुई बॉल से हम कुछ बॉल्स करेंगे और देखेंगे कि गेंद का बिहेवियर कैसा रहता है। आपने देखा कि गेंद में टेप लगे होने की वजह से बॉल का जो उछाल था वो थोड़ा कंट्रोल में था। आप नॉर्मली देखते होंगे कि टेनिस बॉल का जो उछाल होता है बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इस बॉल में टेप लगे होने की वजह से इसका जंप थोड़ा कंट्रोल में था, या कह सकते हैं कि कुछ कम था। और अब हम इस बॉल के आधे टेप को कट करके अलग कर देंगे। तो बॉल के टेप को हमने कट कर लिया है और आप देख रहे हैं कि ये एरिया रफ है और वहीं पर जो दूसरा एरिया टेप लगा हुआ है वो स्मूथ और साइनी एरिया है। और देखते हैं कि ये बॉल स्विंग होती है या नहीं। तो आपने देखा कि ये बॉल कुछ हवा में हरकतें कर रही थी। फिलहाल इसे कैमरे में कैप्चर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन ये हवा में थोड़ी सी हरकतें कर रही थी। आपने अभी तक अगर ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया है और आप टेनिस बॉल से खेलते हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और आपको भी अपनी टेनिस बॉल स्विंग होती हुई दिखाई देगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं इसी तरह से किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, जब आप यहाँ तक आ ही गए हैं
तो राइट कॉर्नर पे चैनल आइकॉन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे।